हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टूडेंट, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो प्लांट में होता था, यानी कि उसके पार्ट्स का यूज करके हम नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमें ये भी पता है कि सीड्स का हम यूज करके हम उनके अकॉर्डिंग नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री का जो आम होता है, तो आम का जो सीड्स है, ठीक है, उसके अंदर की गुठली, तो वो उसे हम जब सॉइल में डालेंगे और उसे अच्छा कंडीशन मिलेगा, एटमोसफियर वगैरह पानी वगैरह दोगे, तो उसके थ्रू क्या होता है, नया मैंगो ट्री ग्रो होगा, ठीक है। तो अब ये जो सीड्स है वह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। जो भी इस तरह के प्लांट है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके बाद क्या होता है, इस तरह से फ्रूट या सीड्स उनके बनते हैं और वही सीड्स का यूज करके हम उनके नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं, या फिर नेचुरली भी उनके नए प्लांट ग्रो होते हैं। बट अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह प्लांट में कौन से ऑर्गन में होगी, तो वह होती है फ्लावर में। तो फ्लावर को क्या बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फ्लावर में कौन से पार्ट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो उसके मेनली फोर पार्ट हो जाएंगे, कौन से, तो फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट इन विच सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल आर इंक्लूडेड। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको फोर पार्ट दिखाए हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। पिस्टिल को दूसरे नाम से बोलना हो तो हम कार्पेल भी बोल सकते हैं। हम इसे फिगर में देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमने पहले बात की सेपल। तो सेपल क्या होता है, तो आपने देखा होगा फ्लावर में उसके बॉटम साइड पर ग्रीन कलर की लीफ हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, सेपल, उसे क्या बोला जाएगा, सेपल। और ये फिगर्स आपने लो स्टैंडर्ड में भी, शायद सेवन स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेपल यानी कि जो ग्रीन कलर में जो देखने को मिलते हैं हमें लीफ, उसे क्या बोला जाएगा, सेपल बोला जाएगा। और ये जब ये प्लांट यानी कि ये फ्लावर जब ग्रो होता है, यानी कि पहले उसकी ग्रोइंग टाइम चल रही होती है, उस टाइम उसके ऊपर पूरा कवर होता है, ठीक है। जब वो फुल्ली ग्रो हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, वो उसके अंदर से नए नए कलर में यानी कि डिफरेंट कलर में हमें लीफ देखने को मिलेगी। उस लीफ को क्या बोला जाता है, पेटल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक पेटल्स यानी कि उसके जो कलरफुल पंखुड़िया जो होती है, कलरफुल जो लीफ हमें देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे कि रेड हो गया, व्हाइट हो गया, येलो कलर के देखने को मिलते हैं, तो वो उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे बोला जाएगा पेटल्स, ठीक है। और सेपल क्या होता है, तो उसके नीचे जो ग्रीन कलर में हमें लीफ देखने को मिलते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं, सेपल बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनके थ्रू होती है ऐसा नहीं है, ओके। बट मेन कौन से उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो जाएंगे, तो वो होंगे, एक होगा स्टेमन और एक होगा पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल को दूसरा बोला जाता है कार्पेल, ये भी याद रखना, पिस्टिल को क्या बोला जाएगा, कार्पेल, कार्पेल, यहां पे मैं लिख रहा हूं तो आप नोट कर देना, कार्पेल, ठीक है। तो ये मान लो कि अलग नाम से आए तो ये भी याद रखना, कार्पेल या पिस्टिल क्या है, तो वह भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑन ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब इसमें जो स्टेमन है, वो स्टेमन को क्या बोला जाता है, तो वह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा, कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किसमें,
तो प्लांट में, और जो पिस्टिल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। ध्यान से ये सुनना, स्टेमन क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके, फ्लावर में आया हुआ, और पिस्टिल हो जाएगा फीमेल, ओके। अब ये जो स्टेमन होता है, तो स्टेमन आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको ये जो फ्लावर में इस तरह के जो पोर्शन दिख रहे हैं, इस तरह के मैं फिगर दिख, ऐसे आपको तीन तीन चार के फॉर्म में ये वाले जो पोर्शन है ना, ये वाला, फिर ये यहाँ पर आपको दिखाया है, तो ये सब की कौन सी फिगर है, तो वो हो जाएंगे स्टेमन। तो स्टेमन में जो ऊपर अपर पार्ट है, इसे बोला जाता है एंथर। क्या बोला जाएगा उसे, एंथर बोला जाएगा, ठीक है। और एंथर में प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन, ये भी याद रखना। इसके साथ साथ, अब इसके साथ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, उसे बोला जाएगा फिलामेंट, ठीक है। तो स्टेमन के दो पार्ट हो जाएंगे, एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर जो अपर पार्ट है, अपर ब्रॉड पार्ट हमें दिख रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एंथर बोला जाएगा। एंड जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिल रहा है, जो फ्लावर के बॉटम पार्ट पर कनेक्टेड हुआ है, तो उसे बोला जाएगा फिलामेंट, ठीक है। तो ये स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात थी, और उसके दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिस्टिल की। तो पिस्टिल के मेनली तीन पार्ट हो जाएंगे, कौन से, मेनली तीन पार्ट। और पिस्टिल जो होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट मिडल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके फर्स्ट जो अपर पार्ट है, जैसे यहाँ पर एंथर हमें देखने को मिला था रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो इसी तरह यहाँ पर भी ये ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, वो उसे क्या बोला जाएगा, स्टिग्मा, ठीक है। इसके साथ साथ, अब स्टिग्मा के साथ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसे बोला जाएगा स्टाइल, ओके। और उसके बॉटम पर ऐसे ओवल शेप में हमें दिख रहा है, उसे बोलेंगे ओवेरी, ठीक है। उसके अंदर पाए जाएंगे फीमेल फीमेल गैमेट्स पाए जाएंगे, यानी कि एग सेल होता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये बात थी पिस्टिल एंड स्टेमन के बारे में। स्टेमन के दो पार्ट हो जाएंगे, एंथर एंड फिलामेंट। एंड पिस्टिल के थ्री पार्ट होते हैं, कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है। तो ये स्टिग्मा पे क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन आते हैं वो यहाँ पर स्टिकी होता है, ये चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, वहां पर चिपक जाते हैं, और उसके बाद वहां पर मैच्योर हो जाते हैं ना, उसकी वजह से फिर क्या होगा, वहां पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से फिर इस ओवेरी के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। वो उसके फर्टिलाइजेशन में हम देखने वाले हैं। तो ये उसके पार्ट के बारे में डिटेल में बात थी। तो मेनली फोर पार्ट हो जाएंगे, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। पिस्टिल को हम क्या बोल सकते हैं, कार्पेल भी बोल सकते हैं। जो सेपल एंड पेटल है वह भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि पेटल है, वो क्या करेगा, इस तरह से जो इंसेक्ट वगैरह है उसे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वह डिफरेंट डिफरेंट कलर में होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं, जो जिनके थ्रू जो पोलन ग्रेन यहाँ एंथर के ऊपर रिलीज होते हैं ना, तो वो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि उसके एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस इंसेक्ट का भी पार्ट होता है। दूसरे भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि एयर हो गया, यानी कि विंड हो गई, वाटर है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर उसके ऊपर अफेक्ट करने वाले हैं, वो भी हम देखेंगे। तो उसकी वजह से जो इंसेक्ट वगैरह है, तो उसे क्या करता है, ये पेटल्स वगैरह अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये सेपल जो है वो पहले उसे क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस तरह से, ठीक है। तो वो उनके अंदर सिर्फ प्रोसेस में हेल्प करते हैं, बाकी जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है वो इनके थ्रू होती है, स्टेमन एंड पिस्टिल के थ्रू, ओके। जो स्टेमन हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और पिस्टिल हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर ऑर्गन उसका, ठीक है। और उसके फीमेल में तीन पार्ट हो जाएंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। एंड स्टेमन के टू टाइप्स हो जाएंगे, सॉरी, स्टेमन के दो पार्ट हो जाएंगे,
एंथर एंड फिलामेंट। ओके, अब इसके अंदर देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो पहली लाइन हमने देख ली कि जो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। एंड उसके अंदर कौन से पार्ट हो गए, सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। पिस्टिल को दूसरे नाम से कार्पेल भी बोल सकते हैं, और सेपल और पेटल्स है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब ये फ्लावर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन से, तो एक हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनि यानी कि एक एक ही सेक्सुअल पार्ट देखने को मिले, ऐसे फ्लावर को क्या बोला जाएगा, यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो इसके लिए आप डिफाइन भी देख सकते हैं कि व्हेन अ फ्लावर कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और अ पिस्टिल इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर में ओनली फॉर स्टेमन या पिस्टिल ही आपको देखने को मिले, ठीक है, आइदर स्टेमन या फिर पिस्टिल, तो उसे क्या बोला जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और उसके एग्जाम्पल बोले तो पपैया हो जाएगा, वाटरमेलन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल भी आप याद रखना। इसके साथ साथ बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल में क्या होगी, एक ही फ्लावर में दो सेक्सुअल पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, कौन से, बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल या फिर कार्पेल, ठीक है। तो उस तरह के फ्लावर को क्या बोला जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और उसके एग्जाम्पल आएंगे हिबिस्कस एंड मस्टार्ड। हिबिस्कस यानी कि जो चाइना रोज होता है ना, तो चाइना रोज को यहाँ पर हिबिस्कस से भी मेंशन किया जाता है। ओके, जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो एक हिबिस्कस का ही फिगर दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको दोनों यानी कि एंथर भी दिख सॉरी स्टेमन भी दिख रहा है एंड पिस्टल, दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद है, ठीक है। बट जो यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें ओनली फॉर स्टेमन या फिर पिस्टिल ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं उनके मेन ऑर्गन कौन से, स्टेमन एंड पिस्टिल। तो इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो हमने देख लिया, ठीक है। और वह क्या फॉर्म करते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है, जो ये एक मेल गैमेट्स हो जाएंगे। ओके, तो पोलन ग्रेन इज जनरली ऑफ येलो कलर पाउडर। तो ये हमें येलो कलर पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलेगी, यानी कि मान लो कि आप इस तरह के फ्लावर वगैरह को टच किया हो तो आपका यानी कि येलो येलो तरह का येलो कलर में हमें इसका पाउडर फॉर्म देखने को मिलेगा, जो आप स्टेमन से टच हो गए हो तो, ठीक है। तो वो क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। ओके, और वो मेल गैमेट इज फॉर्म्ड बाय पोलन ग्रेन, तो इनके थ्रू क्या प्रोड्यूस फॉर्म होता है, मेल गैमेट्स, यानी कि उनके अंदर होते हैं और ये पूरे एक हार्ड कवरिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं। जो ये पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या हो गए, हार्ड कवरिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं इस तरह से, और उनके अंदर उनके मेल गैमेट पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पोलन ग्रेन नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, ठीक है। तो वो कहां पर ट्रांसपोर्ट होगी, स्टेमन से लेकर स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी वो क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट, तो वो हो जाएगा पिस्टिल का अपर पार्ट। ओके, तो वहां पर तो स्टेमन से ये पोलन ग्रेन क्या हो गए, स्टेमन के एंथर पर से कहां पर ट्रांसफर होते हैं, तो वो होंगे स्टिग्मा के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंथर पर पोलन ग्रेन रिलीज हो गए और वो कहां पर ट्रांसफर हो गए, इस स्टेमन वाले स्टिग्मा वाले पार्ट पर। ओके, इस तरह दूसरे फ्लावर के ऊपर भी वह ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, और इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन बोला जाता है। ये डिफाइन भी आप याद रखना कि पॉलिनेशन यानी कि पोलन ग्रेन नीड टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब इनके लिए कौन से वैक्टर या फिर फैक्टर अफेक्टेड है, तो
पॉलन ग्रेन आर एयर, सॉरी वेक्टर ऑफ पॉलन ग्रेन आर एयर विंड विंड्स वाटर एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स भी लिख सकते हैं, इसके साथ इंसेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एयर है, विंड है, वाटर है एंड एनिमल्स, उनके थ्रू क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, एक फ्लावर से लेकर दूसरे फ्लावर या फिर एक प्लांट से लेकर दूसरे प्लांट पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिस्टिल्स। तो पिस्टिल क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा, ठीक है, एंड विच इज सिटेड सिटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर में वह कहां पर पाया जाएगा, तो सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसमें तीन पार्ट हो जाएंगे, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो ओवरी क्या होता है, तो द स्वॉलन बॉटम पार्ट कंटेन्स ओव्यूल्स। तो ऐसे सूजा हुआ पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर जो बीच में, तो इस तरह का स्वॉलन पार्ट बॉटम पर दिख रहा है, उससे क्या बोला जाएगा, ओवरी, और उसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं स्टाइल। तो स्टाइल क्या हो जाएगी, तो लॉन्ग ट्यूब लॉकेट इन द सेंटर। तो वो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्टाइल बोला जाएगा। एंड स्टिग्मा, तो स्टिग्मा लोकेट एट टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी। तो जो फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वह क्या हो जाएगा, स्टिग्मा हो जाएगा, और कैसा होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, जिनको वो अच्छे से जो पॉलन ग्रेन है उसे कलेक्ट कर सके, ठीक है, अपने ऊपर रख सके। ओव्यूल्स आर लोकेट इन ओवेरी। तो ओव्यूल्स सब कहाँ पर लोकेट होते हैं, ओवेरी में होते हैं, और हर एक ओव्यूल्स में क्या पाया जाएगा, एग सेल पाए जाएंगे जो फीमेल गैमेट बन जाएंगे, ठीक है। तो मेल गैमेट सेल प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। मेल गैमेट सेल किनके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन एंड फ्यूज विथ द फीमेल गैमेट। और किसके थ्रू वह फ्यूज हो गए, फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, ओके। और दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल, या फिर उसे दूसरा बोलना हो तो हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, और वो क्या देंगे, जायगोट बना देंगे, ठीक है। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, जो नया सेल बनता है उसे क्या बोला जाएगा, फर्टाइल एग बोलते हैं, या फिर जायगोट बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, किसमें, फ्लावर में, ठीक है, और उनमें कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम उनकी प्रोसेस समझेंगे, ओके। तो आप ये टॉपिक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। Thank you.